सर्दियों के मौसम में गुड़ यानी जैगरी को खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि गुड़ हमारी बॉडी को गर्माहट देता है। इसीलिए कुछ लोग सर्दी के मौसम में गुड़ वाली चाय पीना भी पसंद करते हैं। गुड़ की एक और भी खासियत है कि इसे डायबिटीज़ के पेशेंट भी खा सकते हैं। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसी गुड़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दें तो हमें इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़ के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर परिवार, और चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड़ के फायदों के बारे में। गुड़ हमारी बोन्स यानी हड्डियों को मजबूत बनाता है। गुड़ में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है और ये दोनों ही बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। अगर आपको ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करने से आपको बहुत फायदा मिलता है। फिर गुड़ एनीमिया यानी खून की कमी को भी दूर करता है। गुड़ में आयरन और फॉलेट होता है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उन्हें चीनी की जगह पर गुड़ ही खाना चाहिए। स्पेशली ये प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए लेडीज को तो नियमित तौर पर अपनी डाइट में गुड़ का इस्तेमाल करना ही चाहिए। गुड़ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। गुड़ खाने से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और गुड़ हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है जिससे डाइजेशन ठीक रहता है और गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम होती है। इसीलिए खाना खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना चाहिए। फिर गुड़ कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम में भी अच्छा होता है। गुड़ की तासीर गर्म होने के कारण ये सर्दी खांसी की प्रॉब्लम में भी फायदेमंद होता है। गुड़ में पके हुए चावल खाने से गले की खराश की प्रॉब्लम ठीक होती है। गुड़ में एंटी एलर्जिक यानी एलर्जी को कम करने वाले गुण भी होते हैं, इसीलिए ये अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। फिर गुड़ स्किन के लिए भी अच्छा होता है। गुड़ हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है यानी हमारे खून को साफ करता है, इसीलिए फेस से एक्ने और पिंपल यानी कील मुहासों की प्रॉब्लम को खत्म करता है। नियमित रूप से अपनी डाइट में गुड़ इस्तेमाल करने से रिंकल यानी झुर्रियों की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। गुड़ हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है। जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन शुगर में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। वहीं गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसे हमारी बॉडी इजीली अब्जॉर्ब भी कर लेती है। जब भी हम कभी थका हुआ फील करते हैं तो गुड़ खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फिर गुड़ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। गुड़ में पोटाशियम होता है और जो चीज़ें पोटाशियम से भरपूर होती हैं ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें तो नियमित रूप से अपनी डाइट में गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अभी ये सारे थे गुड़ के फायदे। अभी बात कर लेते हैं गुड़ के नुकसान के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड़ लेते हैं तो इससे वेट गेन हो सकता है क्योंकि गुड़ में कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसीलिए जो लोग डाइटिंग करते हैं उन्हें गुड़ के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हालांकि आप कभी कभी थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं लेकिन फिर भी गुड़ के ज़्यादा इस्तेमाल से दूर रहें। गुड़ की तासीर गर्म होती है इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड़ लेने से हेडेक यानी सिरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। नाक में से ब्लड निकलना शुरू हो सकता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर डायबिटीज़ के पेशेंट गुड़ लेना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही कम मात्रा में गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे उनका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर गुड़ को बनाते टाइम उसको अच्छे से साफ ना किया जाए तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं और जब हम उस गुड़ को खाते हैं तो हमें इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसीलिए गुड़ को खाते टाइम उसकी शुद्धता पर भी ज़रूर ध्यान दें। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और भी चीज़ों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।